वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पिंपल्स से छुटकारा कैसे पाएं। पिंपल्स की समस्या आजकल हर युवा वर्ग को है, चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी को पिंपल्स की समस्या होती है। और कई बार पिंपल्स अपने दाग निशान छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस को बहुत ही भद्दा महसूस होता है, हमें खुद महसूस होता है कि हमारा फेस ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसके जरिए आप अपने फेस के सारे दाग धब्बे मुहासों को ठीक कर सकते हैं। इस नुस्खे को आपने कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करना है, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने कैसे और किस प्रकार अपने आप इन दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं और पिंपल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखना। यह जानकारी देने से पहले मैं दर्शकों से ये कहूँगा, अगर अब तक आप हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने इस नुस्खे के लिए लेना है एलोवेरा, बेसन और मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को गाची के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आप एलोवेरा ले लें। एलोवेरा को इस प्रकार काट के इसका आप जेल निकाल लेंगे। जेल आपने इतना निकालना है कि 2 चम्मच आपके आसानी से निकल जाए। इस प्रकार ऐसे निकालेंगे जल, तो ये जल सारा निकल जाएगा। इस पर अच्छे से जेल निकालने के बाद अब इसके अंदर आप थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे और मुल्तानी मिट्टी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही अच्छे से भीगने देंगे, जो गाची है गाची अच्छे से इसके अंदर पानी में घुल जाएगी और जो जेल है, जो जेल के मोटे मोटे पीस थे वो भी इसके अंदर सारे पिघल जाएंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद दोबारा अच्छे से इसी प्रकार हिलाकर मिक्स हो जाए। जब अच्छे से सारा 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में, जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आप इसको अपने फेस पर लगाएं। फेस पर लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद अपने आप फेस पर अच्छे से लगा दें, जहाँ आपके निशान है वहाँ पर भी निशानों को अच्छे से ढक दें और जहाँ नहीं निशान है वहाँ पर भी आप अपने पूरे फेस पर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। अब 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर लगे हुए इसको अच्छे से सूखने दें। जब अच्छे से मुल्तानी मिट्टी जो फेस पैक आपने तैयार किया है जब ये अच्छे से सूख जाए, तब आप ठंडे पानी से अपने मुँह को धो लें।
इसको आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करें। अगर प्रतिदिन इस्तेमाल करने में आप असमर्थ हैं, नहीं कर पाते इसका यूज, तो आप सप्ताह में कम से कम 3 दिन अवश्य इसका यूज करें। 3 दिन, जैसे ही आप 3 दिन प्रतिदिन करेंगे, 3 दिन सप्ताह में 3 दिन अवश्य इसका आपने इस्तेमाल करना है, तो कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स के जो दाग थे सब धीरे धीरे साफ हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और जो आपके पिंपल्स निकल रहे थे वो भी धीरे धीरे निकलना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई है, अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो भी बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।